आइए आज हम क्लास थ्री का हिंदी रीडर में पार्ट छह चीकू का पत्र का प्रश्न उत्तर करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, चीकू ने मौसी को पत्र क्यों लिखा? प्रश्न है, चीकू ने मौसी को पत्र क्यों लिखा? उत्तर होगा, चीकू ने अपना और अपने घर वालों का हालचाल बताने के लिए मौसी को पत्र लिखा। उत्तर होगा, चीकू ने अपना और अपने घर वालों का हालचाल यानी समाचार बताने के लिए मौसी को पत्र लिखा। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, चीकू ने मौसी को पत्र क्यों लिखा? उत्तर होगा, चीकू ने अपना और अपने घर वालों का हालचाल यानी कि समाचार बताने के लिए मौसी को पत्र लिखा। आपका अगला प्रश्न है, चीकू बबली से अपना बस्ता छिपाकर क्यों रखता है? उत्तर होगा, चीकू बबली से अपना बस्ता छिपाकर इसलिए रखता है क्योंकि वह उसकी किताबें फाड़ देती है। एक बार और इसको दोहरा देती हूँ, चीकू बबली से अपना बस्ता छिपाकर क्यों रखता है? उत्तर होगा, चीकू बबली से अपना बस्ता छिपाकर इसलिए रखता है क्योंकि वह उसकी किताबें फाड़ देती है। अगला प्रश्न है, चीकू नानी से अम्मा की शिकायत क्यों करना चाहता है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, चीकू नानी से अम्मा की शिकायत क्यों करना चाहता है? उत्तर होगा, चीकू नानी से अम्मा की शिकायत इसलिए करना चाहता है क्योंकि अम्मा उसे बहुत डांटती रहती है और खेलने भी नहीं देती। बराबर उत्तर सुन लीजिए, चीकू नानी से अम्मा की शिकायत इसलिए करना चाहता है क्योंकि अम्मा उसे बहुत डांटती रहती है और खेलने भी नहीं देती। आपका अगला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा? उत्तर होगा, यह पत्र चीकू ने अपनी मौसी को लिखा। इसको एक बार और सुन लीजिए, यह पत्र किसने किसको लिखा? उत्तर होगा, यह पत्र चीकू ने अपनी मौसी को लिखा। बच्चों, अभी आपने इस प्रश्न उत्तर को सुना, मैं आशा करूंगी कि इसको आप लोग लिखेंगे और याद भी करेंगे। आइए अब बुक में भी और भी मैं आपको बुक भी करवा देती हूँ जिसको आप लोग कीजिएगा। आपका है कि बताइए सही है या गलत। पहला है आपका, हम पत्र के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, ये आपका सही है जवाब। अगला है, माँ की बहन मौसी कहलाती है, ये भी आपका सही है। चीकू ने अपनी नानी को पत्र लिखा, ये आपका गलत है। चीकू नानी से एक पिल्ला मांग रहा है, ये भी गलत है। माँ की माँ नानी होती है, ये सही है। अगला है आपका, सही उत्तर चुनकर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला आपका, यह पत्र लिखा गया है शाहबाद से, सिकोहाबाद से, सादाबाद से। सही है शाहबाद से। अगला है, चीकू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? ऑप्शन है, पांचवी, तीसरी, पहली। आपका सही जवाब है तीसरी। चीकू के साथ स्कूल जाया करेगी उसकी दादी, बुआ, बहन। उत्तर होगा सही आपका, बहन। चीकू किसकी शिकायत करने की बात कह रहा है? मौसी की, अम्मा की, नानी की। तो आपका उत्तर होगा अम्मा की। देखिए, पाठ में गुस्सा बस्ता क्या चिट्ठी शब्द आए हैं?
ये संयुक्त वर्ण वाले शब्द है, इनमें स स्त क टत संयुक्त वर्ण है। नीचे दिए गए संयुक्त वर्णों से बनने वाले दो दो शब्द लिखना है आपको। आधा सर पूरा स से बना हुआ है हाफूस, तो बनेगा गुस्सा और रस्सी। आपका है पहला है आधा स और पूरा स, इसे आपका बनेगा गुस्सा रस्सी। अगला है आधा स और त, इससे बनेगा आपका बस्ता और चुस्त। आधा क और य से आपका बनेगा वाक्यांश और वाक्या। आधा ट और ठ से आपका बनेगा चिट्ठी मुट्ठी। इसमें आपको प्रत्येक पंक्ति में रंगीन सबके समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाना है आपको। तो चिट्ठी का आपका होगा पत्र, ये आपका शायद ठीक नहीं है बच्चों, तो इसको इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अगला है आपका किताब, किताब का समान अर्थ होगा पुस्तक। शैतान का होगा समान अर्थ नटखट, और बर्ता का होगा समान अर्थ चूना पेंसिल। अगला है नीचे लिखे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। शब्दों को मिला देना बच्चों, भा न जा तो ये होगा भांजा, ब है बीच में प्लस है तो बनेगा बस्ता, ये आपका बनेगा शिकायत, ये आपका बनेगा शैतान, ये बनेगा छिपाकर और ये बनेगा साइकिल। बच्चों मैं आशा करूंगी कि आप अपने बुक में भी बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।